ये कहना बड़ा जरूरी है आज कि सेंटर की सरकार की नीयत साफ चाहिए। तो पेट्रोल डीजल भी है, जब जीएसटी है, जीएसटी में वन नेशन वन टैक्स है, एक नेशन एक टैक्स, तो फिर भाई पेट्रोल और डीजल ये जीएसटी से बाहर क्यों है? अगर जीएसटी में होता तो अगर 28% है तो 56 रुपए, और असेंशियल कमोडिटी 18% से ऊपर नहीं हो सकता जीएसटी में, 18% अगर है तो वो 50 रुपए होगा। पाकिस्तान में भी 50 रुपए, हिंदुस्तान में 37 रुपए पेट्रोल की कीमत है वर्ल्ड की, और 42 रुपए टैक्स है। भाई आप इतना तो कर सकते हो कि किसान को वो माफ करो। नहीं, पर स्टेट क्यों नहीं कटा दिया? स्टेट ये कहती है कि कोई पहल करे, असी तो पहले ही समर्थन बड़ा मांग रहे हैं, साडा फाइनेंशियल पोजीशन देखो, सानू समर्थन दो, असी तुसी पहल करो, असी तोडे मगर आवांगे, ना आवांगे तो फिर जुम्मे। कैप्टन साहब ने मैं आप देखा कैप्टन साहब नू हर मीटिंग दे विच उहनां दी ये चिंता हुंदी है वी ये असी सब दे पहल दे उदार दे। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं कर सकदे जीएसटी, गवर्नमेंट कर सकदी है, तुसी तां केरला च होया, मेरी इक गल सुनो, असी ते लंगर ते भी माफ करदी, ते जिहड़े लाउण वाले है उहनां ने माफ करदी, असी ते कर्जा भी माफ कर रहे हां केरला च होया। इक मिनट, असी कर्जा माफ कीता इहनां दी पिछली बीजेपी दी अलायंस दी सरकार ते, कोई इत्थे यार कोई आपां उह राजनीति नहीं कर रहे, पर तुसी मैनूं दस कि उदो सुते पे सी 8000 तो वध किसानां ने खुदकुशी कीती हो सर केरला च, उदो उदो ना ये करता दिंदे, गल नूं समझ लो। सो अखीर दे विच उंगलियां कटा के शहीदां च आउण नालों कोई बंदा नीयत दे नाल और नीति दे नाल उह करे। पूरी तरह शरीक हां और समर्थन करदे हां तरीके, और मैं अज अगर इत्थे आया ते अपनी विल दे नाल आया। मोदी सरकार ने ये कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट पूरी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उन्होंने कहा था कि किसान की जो इनकम है उसको डबल कर देंगे। ये बातों से तो नहीं होगा गुरु, ये तो ये नहीं कि क्रिटिसाइज करने के लिए। नदी भाई माइक पर हमारे अंदर है, पनप रही है, कैप्टन साहब लगातार बात भी करते हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनकी भावना में कर्जा माफी जो है सबसे अहम चीज, वो हो भी रहा है। ये मोदी साहब ने ये कहा था कि इनकी इनकम डबल करेंगे, नहीं हुआ है। ये भी जुमले बन गए, नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे मुंह में शब्द मत डालो, मैं जवाब दूंगा, राइट। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ना तो वो इम्प्लीमेंट हुई है ना ये इम्प्लीमेंट हुई, और किसान की जो मजबूरियां हैं वो बढ़ती जा रही, खुदकुशियां बढ़ती जा रही, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वी आर ट्राइंग, बहुत ज्यादा प्रयास चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। देखिए, हमने अपनी तरफ से शुरुआत की, मैंने अपनी तरफ से ये शुरुआत की है कि किसान जो कहता है उसे मानिए, प्यासा कुएं की तरफ नहीं, कुआं प्यासे की तरफ जाना चाहिए, और सरकार को किसान की तरफ आना चाहिए, ये इसका एक सिंबॉलिक वो है। देखिए, मेरे एक दिन से सब्जी लेने से कुछ नहीं, इतना ऐसा नहीं कुछ जलजला आ जाएगा, लेकिन एक संकेत है, एक सिग्नल, और एक पॉलिटिशियन का ये दायित्व है, उसका फर्ज है कि वो सही संकेत दे, सही सिग्नल दे, एक मैसेज जाना चाहिए, और वो मैसेज सबके द्वारा जाना चाहिए। 10 दिन इनको कुछ मिलेगा नहीं, हक में आप उतरे हो सिंबॉलिक तौर पे, तो किसानों को ये भी अपील करेंगे कि आज उन्होंने सब्जियां रोड पे फेंकी है, दूध रोड पे फेंका, वही किसी गरीब के काम आ जाता है, गुरुद्वारे के मंदिर में बिल्कुल आ जाता है। जितना हम देखे, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं यार जो उनके दुख में शरीक होना चाहते हैं और उनका दुख बटाना भी चाहते हैं। फ्यू बर्डन्स आर हैवी व्हेन एवरीवन लिफ्ट्स। मुझे लगे समस्त उन्नति का आधार है आत्मनिर्भरता। हमें जब तक हम किसान को आत्मनिर्भर नहीं करेंगे, हम इस सूबे को नहीं संवार सकते दोस्त। और इसके लिए चाहे यू नो एक डिटेल्ड प्लान है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है कि जहां पे आलू हो भाई वहां चिप्स की एक फैक्ट्री हो, जहां पे कपाह उगती है पंजाब में वहां स्पिनिंग मिल्स हो, अमेरिका में 3 महीने में लग जाती है स्पिनिंग मिल, और शुगर मिल्स भी है लेकिन उतनी डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रयास चाहिए, एक नियत साफ चाहिए। नागरा साहब ही ने पटियाले
यार इधर आ जाओ सारे पीछे इधर आ जगह बनाओ उसकी कैमरा पीछे रखे यार सवाल हो गया हफ्ते की सब्जी ले जाने यार कैमरा विकी भी है पीछे हो जाओ यार कैमरा पीछे कर ले यार इधर अगले बात सिद्धू साहब बड़ी पुरानी गल है छोलिया ने छिटन से मैं क्या ना मैं तो कहना भी सारिया दे दो यार थोड़ा इधर सर थोड़ा इस साइड ब्राउन राइस है ना ना तू अपना ब्राउन राइस ब्राउन राइस लफाफे खा लेंगे ब्राउन राइस हाँ जी जल्द चीज ले जाइए क्यों बहुत ये कड़क कहती है नाले पूरी साबुत है ना बिल्कुल साबुत है ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ